हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है क्राउन जूल से पहले का आखिरी स्मैकडाउन, और आज की इस वीडियो में ये नहीं बात करने वाला हूँ हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस स्मैकडाउन में, बल्कि ये बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिला, बिकॉज इस वीक का स्मैकडाउन ऑलरेडी हो चुका है टेप्ड। सारे सुपरस्टार सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं क्राउन जूल के लिए, यानी कि ये रहने वाला है एक तरह का स्मैकडाउन का स्पॉयलर। इसके अलावा डीन एम्ब्रोस ने अगेन क्या कुछ कहा है अपने WWE छोड़ने पर, साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से भी जुड़ी मेरे पास अपडेट है। सो सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन के बारे में कर लेते हैं बात। एंड यस, आप सब अगर स्पॉइलर से दूर रहना चाहते हो देन आप सब इसे स्किप कर सकते हो और जा सकते हो रैंडी ऑर्टन एंड डीन एम्ब्रोस की अपडेट पर। एंड यस, सेगमेंट आगे पीछे हो सकता है बट हमें देखने को यही कुछ मिला। सबसे पहले हमें पॉल हेवन एंड सोलो सिकोवा रिंग में देखने को मिलते हैं, जहां पर वो बात करते हैं सोलो सिकोवा एंड जॉन सिना के मैच के बारे में। देन तभी वहां हमें जॉन सिना आते हुए दिखते हैं एंड इनके बीच कुछ बातें होती है, और एट द एंड हमें जॉन सिना एंड सोलो सिकोवा के बीच ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर हमें अपर हैंड मिलते हुए दिखता है जॉन सीना को। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच, जहां पर ग्रेसन वॉलर रहते हैं कमेंट्री में, और यहां पर केविन ओवेंस ने स्टनर लगाकर पिन किया ऑस्टिन थ्योरी को और जीत लिया इस मैच को। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक डॉनी ब्रुक मैच प्रिटी डेडली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच, जहां पर हमें जीत होते हुए दिखती है प्रिटी डेडली की। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है बियंका बेलर वर्सेस बेली का मैच, और जैसा कि आप सबने आइडिया लगा ही लिया होगा यहां पर हमें किसकी जीत होते हुए दिखी, यानी कि बियंका बेलर ने यहां पर हरा दिया बेली को, और मैच के बाद हमें बियंका बेलर अनाउंस टेबल के थ्रू भी स्लैम करते हुए दिखती है बेली को। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच सॉलिड प्लेयर एंड सॉर्ट जी वर्सेस वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवेन के बीच, और ये एक नॉन टाइटल मैच था, इसलिए यहाँ पर हमें जीत होते हुए दिखती है सॉलिड प्लेयर एंड सॉर्ट जी की। वहीं जैसा कि आप सबको पता ही है WWE एडवर्टाइज तो कर रही थी लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो का वे इन का सेगमेंट, बट इसे WWE ने लाइव क्राउड के सामने टेप नहीं किया। अब वेट ही नापना है तो हो सकता है हमें बैक स्टेज से ये सेगमेंट देखने को मिल जाए, या फिर ऐसी कोई लोकेशन से जो कि हमें इस मैच को और भी ज्यादा हाइप करते हुए दिखे। और फाइनली हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस एंड एलए नाइट का सेगमेंट, हमें एलए नाइट आते हुए दिखते और वो अपने क्राउन जूल मैच के बारे में बात करते जो कि रोमन रेंस के अगेंस्ट होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। फिर हमें वहां पर रोमन रेंस आते हुए दिखते एंड इनके बीच काफी कुछ बातें वगैरह होती है, और एट द एंड हीटेड आर्गुमेंट होने लगता है इनके बीच, और देख कर लग तो रहा था कि यहां पर ब्रॉल होने वाला है इन दोनों के बीच अगेन, बट हमें ऑफिशियल्स आते हुए दिखते और दोनों सुपरस्टार्स को करते हैं सेपरेट। यानी कि गाइस, रोमन रेंस एंड एलए नाइट के बीच हमें कोई भी ऑन स्क्रीन ब्रॉल वगैरह देखने को नहीं मिला है। अगर WWE बैक स्टेज से इनका कोई ब्रॉल वगैरह वाला सेगमेंट टेप करना चाहे तब वो कर रख सकती है, नहीं तो ऑन स्क्रीन इनके बीच सिर्फ बातें हुई है। तो गाइस, यही वो चीजें थी जो कि हमें देखने को मिली इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। एंड यस, ये शो आपको अच्छा लगा, बेकार लगा, एवरेज लगा, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए डीन एम्ब्रोस ने क्या कुछ कहा है अपने WWE लीव करने पर। तो आप सबको पता ही है डीन एम्ब्रोस ने जब WWE छोड़ा था देन उन्होंने काफी कुछ बातें रिवील की थी कि आखिर उन्होंने क्यों WWE छोड़ा, और नेगेटिव चीजें कही थी WWE के बारे में। बट अब जब इतना टाइम हो चुका है डीन एम्ब्रोस को WWE छोड़े, देन सभी को लग रहा था कि अब अगर वो WWE के बारे में कुछ कहेंगे तो वो पॉजिटिव ही कहेंगे। बट उसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनके AEW डेब्यू पर पूछा जाता है तो उन्होंने कहा AEW के आने का टाइमिंग काफी ज्यादा क्रेजी था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं WWE छोड़ने वाला हूं, और उसी वक्त AEW ने मुझे रीच किया, और अगर अभी AEW नहीं रहती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीवी में आ रहा हूं या फिर नहीं आ रहा हूं। मैं शायद से मेक्सिको जाकर वहां मास्क पहनकर रेसल करता या फिर मैच वगैरह लड़ रहा होता पार्किंग लॉट में, यानी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई देख रहा है या फिर नहीं, बस मुझे रेसलिंग करना पसंद है। यानी कि गाइस, AEW चाहे आती या फिर नहीं आती, वो WWE से तो निकलने ही वाले थे, उसके बाद उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्हें कोई जाने या ना जाने, वो बस रेसलिंग करना चाहते थे, जो कि उन्हें WWE में सही से करने को नहीं मिल रही थी। लेकिन हाँ, अब आप सबको पता ही है सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि विंस मैकमैन के हाथों से जा चुका है पूरा कंट्रोल, और अब नए नए लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस हमें वापस से आते हुए दिख सकते हैं WWE में। अब वो आते या फिर नहीं वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, बट हाँ, एक सुपरस्टार जो कि डेफिनेटली से रिटर्न करने वाला है देन गाइस, वो कोई और नहीं बल्कि है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो आप सबको पता ही है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आते रहती है कि उनका रिटर्न समर स्लैम में हो सकता है, सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है 2023 में। बट गाइस, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से रिलेटेड, जो कि इस बात को क्लियर करता है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। और ये अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन का न्यू मर्च बन चुका है। तो आप सब जानते ही हो, अगर कोई भी सुपरस्टार रिटर्न करता है तो वो नए टाइप के मर्च वगैरह पहनकर आता है, जिस तरह से रोमन रेंस ने समर स्लैम 2020 में रैक एवरीवन एंड लीव वाली मर्च पहनकर आई थी, उसी
तरह से रैंडी ऑर्टन का कोई न्यू मर्च हो चुका है रेडी। और ये चीज तभी होती है जब कोई सुपरस्टार पूरी तरह से रेडी बैठा होता है अपने रिटर्न के लिए, यानी कि गाइस आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी मंथ आप सबको रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। वो हो सकता है क्राउन जूल में, वो हो सकता है स्मैकडाउन के किसी एपिसोड में, वो हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में। एंड वो किसके लिए आ सकते हैं वो तो आप सबको पता ही है, ज्यादा चांसेस यही है कि वो आने वाले हैं रोमन रेंस एंड उनकी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, बिकॉज WWE ने हमें ऐसा दिखाया है कि रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन ने इंजर्ड किया है रैंडी ऑर्टन को। और WWE अपने प्लान में चेंजेस कर सकती है अगर रोमन रेंस हमें लेते हुए दिखते हैं ब्रेक क्राउन जूल के बाद, जो कि आप सबको पता ही होगा अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर हमें किस सुपरस्टार को करते हुए दिखे चैलेंज। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।